हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। मैं हूं आपकी होस्ट रश्मि। इन दिनों मैं थोड़े टाइम के लिए बाहर थी और मेरे पीछे से इतनी ज़्यादा गर्मी, बारिश और ये सब होने के बावजूद भी जब मैं वापस लौट के आई तो मुझे बड़ा अच्छा लगा। कुछ चीज़ें मुझे छत से मिली, तो आज मैं वही हार्वेस्टिंग आप लोगों को थोड़ी बहुत जो हो पाती है वो दिखाऊँगी। तो चलिए चलते हैं मेरी वीडियो में। अगर आप लोग लगातार सीड डालते रहते हैं लीफी वेजिटेबल के, तो वो आपको कुछ कुछ अंतराल में काफ़ी लंबे समय तक मिलते रहेंगे। जैसे कि आप देखें, इस छोटे से टब में मैंने ये लाल वाली साग लगा रखी है और ये बहुत अच्छी ग्रोथ हो रही है। और अभी टाइम है कि अगर हम इसे नहीं लेते हैं, देखें इसमें सीड फॉर्म होने शुरू हो गए थे। अगर मैं यहाँ होती तो शायद इसे पहले ही हार्वेस्ट कर लेती, लेकिन कोई बात नहीं, अभी भी हम इसे हार्वेस्ट अगर कर लेते हैं तो भी हमें इसके बाद दो बार ये मिल जाएंगी। कभी भी जब हम लीफी वेजिटेबल लगाते हैं तो हम एटलीस्ट तीन बार उसकी हार्वेस्टिंग कर सकते हैं। तो आज मैं ये सारे हार्वेस्ट कर लूँगी और फिर उसके वन वीक के बाद, हार्वेस्ट करने के तुरंत बाद आप थोड़ा सा कुछ लिक्विड मैन्योर दे दिया करें, इससे बहुत जल्दी ग्रोथ होगी और आपका सेकेंड टाइम हार्वेस्टिंग के लिए वो रेडी हो जाता है। तो आज की हार्वेस्टिंग देखिए, और ये बहुत जल्दी निकल आते हैं, अभी इन सब का ग्रोइंग पीरियड है। तो और देखें, जैसे जैसे मैं ये लेती जा रही हूँ वैसे ये नीचे देखें छोटे छोटे हैं, ये सब फिर बड़े हो जाएंगे। और अगर हम इन्हें नहीं हार्वेस्ट करते हैं तो इनमें सीड होता है और नीचे वाले भी बड़े नहीं हो पाते हैं, क्योंकि इनको स्पेस नहीं मिल पाती है। इसलिए हार्वेस्ट टाइम पे ज़रूर करें। और आप देख रहे होंगे कि मैंने इसमें किसी तरह का पेस्टिसाइड नहीं डाला है। बारिश का मौसम है, इसके बावजूद भी इसमें कीड़े नहीं हैं। ये देखें बहुत बढ़िया हो रहा है और एक भी पत्ते में किसी तरह का कोई भी कीड़ा नहीं है। बरसात में कोशिश करनी चाहिए कि हमें सब्जी, इस तरह के लीफी वेजिटेबल बाहर से ना लें, क्योंकि बाहर से लेने पे एक तो बहुत ज़्यादा पेस्टिसाइड का यूज़ होता है और दूसरे कीड़ों का भी बहुत अटैक होता है इस वक्त। तो कोशिश करें, अगर दो तीन गमले भी हैं तो खुद का लीफी वेजिटेबल उगाने का। ये देखें इतनी सब्जी मुझे मिल गई है, बहुत फ्रेश और बहुत बढ़िया है। और ये देखें, ये काफ़ी हैं, ये दो बार हार्वेस्ट होने के लिए बहुत अच्छे से वन वीक में मैं इसे हार्वेस्ट कर लूँगी। बारिश में हमें सब्जियाँ मिलती भी हैं, लेकिन कुछ प्लांट हमारे ख़राब भी हो जाते हैं। जैसे आप देखें यहाँ पे ये तोरी है और इसमें से, इस प्लांट से मैंने बहुत सारी तोरियाँ ली हैं। और यहाँ देखें, यहाँ ये दूसरी बन रही है, लेकिन मुझे लगता है कि ये अब पीली पड़ने लगी हैं, तो ये मुझे नहीं लगता है अब बड़ी होंगी। और यहाँ देखें, इसमें कीड़े बहुत हैं। अगर मैं शायद घर में होती तो इन पे कुछ स्प्रे भी करती। बहुत सारे इसके लीव्स खा लिए गए हैं, यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये देखें। तो अगर इस तरह का कुछ होता है तो स्प्रे करना ना भूलें, होममेड पेस्टिसाइड का ही यूज़ करें। और अगर हम नहीं ध्यान देंगे तो कभी कभी ऐसा भी होता है कि हमने रात में देखा हमारा पौधा सही सलामत है, लेकिन नेक्स्ट डे आप सुबह देखेंगे, स्पेशली मॉनसून सीजन में, ये सारे लीव्स खा लिए जाते हैं। तो अगर वेजिटेबल प्लांट है तो हमें इन बातों का ध्यान रखना है कि अगर टाइम से नहीं है तो कोई बात नहीं है, स्प्रे करने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन थोड़ा भी इस तरह की चीज़ दिखे तो स्प्रे ज़रूर करें। बढ़िया, स्वस्थ है और अच्छी सब्जी। ये मैंने ये प्लांट आपको ग्रो करते हुए दिखाया था, यहाँ पे देखें, ये मेलन की ही एक वैरायटी है जिसको फूट कहते हैं।
हालांकि जो सीड मैंने लगाए थे उसमें इसका जो इमेज था वो लंबा था, लेकिन आप देखें कि ये गोल है और इसका कलर भी थोड़ा सा डिफरेंट है। और ये मुझे मिला है, इतना पक चुका था कि टच करते ही ये निकल गया है। और थोड़ा आप देखें ये फट भी चुका है इस तरह से, ओवर राइप हो जाने के बाद ये फट जाते हैं। चूँकि मुझे लेट हो गया इसको हार्वेस्ट करने में, लेकिन ये देखें ये मेलन की दूसरी वेराइटी है। तो इस तरह के आप मेलन में 7-8 तरह की वेराइटी होती है, आप कोई भी लगा सकते हैं। क्योंकि आप देख रहे होंगे कि इसके लीफ थोड़े छोटे छोटे हैं और इसके स्मेल भी बहुत ही अलग है। फ्रूट की जो स्मेल होती है वो बिल्कुल अलग होती है। तो ये देखें कितना बढ़िया मिल गया है। और इसकी इसका साइज़ छोटा है, हालांकि जो सीड मैंने लगाया था उसमें इसके साइज़ बड़े थे, लंबे थे और बड़े थे, लेकिन कोई बात नहीं, ये भी बढ़िया है। और इसमें एक और भी मुझे दिखा है, वो भी मैं आप लोगों को दिखा दूँ। देखें, हमेशा कहते हैं कि जो घर के सीड से उगाए जाते हैं, जैसे फ्रूट से जो निकाल के उगते हैं, कोई भी चीज़ जो आप लगाते हैं उसमें उसके फ्रूट का साइज़ छोटा होता है। लेकिन इस बार मैंने कुछ उल्टा ही देखा अपने गार्डन में, एक्सपीरियंस किया कि मैंने जो यहाँ पे ये मेलन लगाया था, ये देखें अभी छोटा बन रहा है। और आप लोगों को मैंने किसी वीडियो में इसकी हार्वेस्टिंग भी दिखाई थी। तो ये जो है ये मैंने सीड से उगाया था, घर में जो आपके आते हैं उसी फ्रूट से मैंने उगाया है। और इसका साइज़ काफ़ी अच्छा होता है, लेकिन ये मैं मार्केट से सीड लेके आई थी जिसमें इमेज काफ़ी बड़ा था, लेकिन आप देखें फ्रूट छोटा मिला है। इसलिए कुछ कह नहीं सकते कि किस तरह की हमें हार्वेस्टिंग मिलेगी। तो इसलिए आप लोग घर में भी अगर आपको सीड अवेलेबल है तो उससे ज़रूर लगाएँ। बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा है मेरा। और आपको एक और मेलन मैं दिखाती हूँ, वो यहाँ देखें ये है। इसको मैं, ये भी छोटा ही है और अभी पकने वाला है, लेकिन मैं इसको तोड़ लूँगी क्योंकि घर में भी ये पक जाएंगे। और अगर मैंने छोड़ दिया तो आजकल बंदरों का भी बहुत आतंक मचा हुआ है कभी कभी वो भी बहुत परेशान करते हैं। क्योंकि मेरे छत पे और भी बहुत सारी चीज़ें थी जो मुझे इस बार नहीं मिली, तो हो सकता है मेरे पीछे से बंदरों ने कुछ ना कुछ तो किया ज़रूर है। तो ये देखें ये मुझे दो मिले हैं, अलग तरह का मेलन है ये। तो अलग अलग तरह की चीज़ें ज़रूर अपनाएं, बहुत अच्छा लगेगा, बहुत अच्छा एक्सपीरियंस भी होगा। यहाँ देखें, यहाँ भी एक तोरी बनी हुई है। हालांकि मैं देख रही हूँ इसकी बेल भी धीरे धीरे, किसी दिन पानी की कमी हो गई होगी और इस तरह से इसके बेल सूखने लगते हैं, लेकिन फिर भी मेरा ये प्लांट अभी हरा भरा है। मुझे उम्मीद है कि मुझे इसमें से और भी तोरी मिलेगी। हालांकि इसका कंटेनर बहुत छोटा है, आप लोग अगर तोरी लगाएं तो बड़े कंटेनर में लगाएं। मेरे पास स्पेस नहीं था और सीड अवेलेबल थे, इसलिए मैंने देखने के लिए, बस एक्सपेरिमेंट था ये मेरा। लेकिन इसमें भी मुझे आप देखें कि किस तरह से ये सब्जी मिल रही है, ये देखें। और यहाँ पे पम्पकिन के फ्लावर्स हैं और इसका भी अभी कोई काम नहीं है। मैंने आप लोगों को बोला था कि पम्पकिन के फ्लावर मैं तकरीबन डेली ही निकालती हूँ जब ये होने शुरू होते हैं। क्योंकि आप यहाँ देख सकते हैं इनकी कितनी सारी ये कलियाँ बन रही हैं, ये देखें लगातार फ्लावरिंग हो रही है इसमें। तो इतने छोटे से ग्रो बैग में, ये मुश्किल से मुझे लगता है 12 इंच का ग्रो बैग है, इतने छोटे से ग्रो बैग में आपको फ्रूट नहीं मिलेंगे। इसीलिए जब भी बड़े हैवी फ्रूट वाले, हैवी वेजिटेबल वाले सब्जियां लगाएं, तो उनको कम से कम 18 इंच से ऊपर के गमले में लगाएं, तभी वो आपको फ्रूट देंगी। लेकिन मुझे तो इनके लीव्स और इन फ्लावर से ही बहुत सारे मेरे फुलफिल हो जाते हैं, किचन का बहुत सारा काम मेरा हो जाता है। इसलिए इस तरह के फ्लावर को हार्वेस्ट ज़रूर करें। क्योंकि देखें यहाँ पे 2-3 ऐसे फ्लावर थे जिनको मैंने हार्वेस्ट नहीं किया है, ये सारे के सारे वेस्ट हो गए हैं। ये और ये थोड़े से फ्लावर मिल गए हैं, इनको भी मैंने पिछली वीडियो में भी आप लोगों से बोला था कि इन सब का इस्तेमाल हम किचन में किसी भी चीज़ में कर सकते हैं। तो ये देखें इस तरह से कुछ वेजिटेबल मुझे मिल गए हैं और कुछ अभी तोड़ने बाकी हैं जो फिर किसी और वीडियो में आप लोगों से शेयर करूँगी। और मेरा चेरी प्लांट भी बहुत अच्छा ग्रोथ कर रहा है, लेकिन कल ही मैंने उसमें बहुत सारी चेरी देखी थी जो अभी मुझे नहीं मिल रही हैं, क्योंकि ये चिड़ियों को बहुत अट्रैक्ट करती हैं। लेकिन आगे मैं इंतज़ार करूँगी कि अगर उसमें फ्रूट आते हैं तो मैं आप लोगों के साथ ज़रूर शेयर करूँगी। और आज की मेरी हार्वेस्टिंग छोटी सी ही है लेकिन बहुत अच्छी है।
अगर आप लोगों को मेरी ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ इसे लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। बेल बटन को जरूर दबाएं। लीव नेचर, लव नेचर। थैंक यू।